हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल जॉब से बाई कुसुम पर। आज की जो जॉब है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुरके सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे ने टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 अगस्त 2023 है। इनकम्प्लीट या लेट फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर फैकल्टी पोस्ट विथ कैटेगरी दिया गया है, जिसमें पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें प्रोफेसर की एक सीट अनिजर में, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 सीटें हैं, एक ओबीसी एक अनिजर में, और असिस्टेंट की 2 सीटें हैं, एक अनिजर्व एक एससी। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसकी 1 सीट अनिजर्व में और प्रोफेसर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है एससी में। थर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसकी प्रोफेसर के लिए 1 सीट अनिजर्व में और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीटें हैं, एक अनिजर्व एक ओबीसी और एक एससी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं, एक एससी एक ओबीसी। चौथा है मैथमेटिक्स, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल 1 सीट अनिजर्व में। देन है नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसमें नेम ऑफ द पोस्ट है, पे स्केल और नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, जिसमें पहला असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 7 अनिजर्व में 1 सीट है, मेडिकल ऑफिसर पे लेवल 10 इसमें 1 सीट अनिजर्व में, डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल 7 1 सीट अनिजर्व में, वर्कशॉप सुपरिटेंट लेवल 11 1 सीट अनिजर्व में, प्रोग्रामर ग्रेड फर्स्ट लेवल 10 1 सीट अनिजर्व में। सैलरी इसमें गवर्नमेंट रूल के आधार पर मिलेगी, और नीचे गर्म जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एप्लीकेशन ओनली ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट शैल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन इसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में भेजना है, उसी को स्वीकार किया जाएगा जो कि वेबसाइट में दिया गया है। इसमें फॉर्म भरने के लिए आप एप्लीकेशन से फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर भर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के फॉर्म हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर फैकल्टी पोजिशन, इसमें 2 टाइप के फॉर्म है, टीचिंग और नॉन टीचिंग। अगर एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म को भरता है तो उसको अलग अलग पोजीशन के लिए 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, एक नॉन टीचिंग के लिए और एक टीचिंग के लिए। नेक्स्ट है अपने किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को उसका नाम भी भेजेंगे। नेक्स्ट है अपने सारे सर्टिफिकेट सेल्फ अटैच करके भेजने हैं, कोई भी गलती के लिए कैंडिडेट स्वयं जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। इस प्रकार की नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं।